जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा उसी दिन सबको फर्क पड़ेगा। जब कोई ना समझे तो तन्हा बैठकर खुद को समझाना ही बेहतर होगा। कोई तुम्हारे नखरे भी तब तक उठाता है जब तक वह तुम्हारा फायदा ना उठा ले। मत किया कर ये दिल किसी से इतनी मोहब्बत, जो लोग बात नहीं करते वह प्यार क्या करेंगे। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छांव देती है, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है। टाइम मिलने पर बात करने में और टाइम निकाल कर बात करने में बहुत फर्क होता है साहब। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते, कुछ लोग इसलिए झुक जाते हैं ताकि रिश्ते सलामत रहे। दिल छोटा नहीं करते दोस्त, जो गया उसे जाने दो, फिक्र होती तो जिक्र जरूर करता। करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतजार रहे। दर्द प्यार करने से नहीं मिलता, गलत व्यक्ति से प्यार करने पर मिलता है। जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वो आपकी हजार गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है ना, वो आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। रिश्ते निभाकर या जान लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहो वह उसमें बुराइयाँ खोज ही लेते हैं। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से छीन सकता है लेकिन आपके नसीब से नहीं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। जो रिश्ते दिलों में पला करते हैं वही चला करते हैं, वरना आँखों को पसंद आने वाले तो रोज बदला करते हैं। यह बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, मगर मुस्कुरा के चलने में कोई नुकसान नहीं। कभी कभी बहुत सी बातें करनी होती है मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। जितना भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। लाख किसी को प्यार दे दो, पर जिसने धोखा सीखा है वह धोखा ही देगा। कभी जिंदगी में बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला जरूर रखो कि दिन बुरा था जिंदगी नहीं। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायत है वही जगत में अधिक से अधिक सुखी है। शिकायत करने से खामोश रहना बेहतर है। जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। नज़र अपनी कमियों पर भी रखो, हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। दर्द दो तरह के होते हैं, एक दर्द आपको दर्द देता है और दूसरा दर्द आपको बदल देता है। रिश्तों के बाजार में अक्सर वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजिए, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द है। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। क्या फायदा रोने से, जो प्यार नहीं समझ सकते वह दर्द क्या समझेंगे। मन में उतरना और मन से उतरना केवल व्यवहार पर निर्भर करता है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। हर रिश्ता एक पक्षी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। केवल पैसों से ही इंसान धनवान नहीं होता, असली धनवान वह होता है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। ऐसा सुख बेकार है जिसमें उलझकर व्यक्ति परमात्मा का सुमिरन करना ही भूल जाए। उससे तो वह दुख लाख गुना अच्छा है जिसकी वजह से व्यक्ति पल पल परमात्मा का सुमिरन करता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उसका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा, अगर रिश्ता बस नाम का हो तो रोना कैसा। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ आप गलत ना हो वहाँ सर मत झुकाना। रिश्तों में झुकना कुछ गलत नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जो देते नहीं थे जवाब उसके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नीम पर भी आम आने लगते हैं। आपके खुशियों में वह लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वह लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। किसी एक जगह बहुत ही सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। वजह चाहे कोई भी हो, धोखा धोखा ही होता है। दुनिया कभी आपको चढ़ाएगी और कभी आपको गिराएगी। दुनिया का काम ही यही है
लेकिन आपको इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अहंकार की बस एक खराबी है या कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। बुरे लोगों की संगत से ज्यादा लाभदायक अकेलेपन होता है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। कोई भी इंसान खुद को बदलना नहीं चाहता। किसी को प्यार तो किसी को नफरत बदल देती है। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि लोग आपसे कितना लगाव रखते हैं। उम्मीद ज्यादा रखोगे तो दिल भी ज्यादा दुखेगा। खुश रहना है तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो। ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से ही प्यार कर लो। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर क्या हारना है या जानने वाला भी सिकंदर होता है। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, उससे भी ज्यादा जरूरी है असफलता से सीख लेना। उस इंसान को कभी मत खोना जो आपको डांटे भी खुद और मनाए भी खुद। प्यार सभी करते हैं, पर कोई दिल से करता है, कोई दिमाग से करता है। जरूरी नहीं कि प्यार हमेशा फेस देखकर हो। कभी कभी किसी के नेचर से भी प्यार हो जाता है। आपको खोने से बहुत डरेगा वह इंसान जो आपसे सच में प्यार करता होगा। जो इंसान आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, वह इंसान आपसे सबसे ज्यादा गुस्सा करता है। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। प्यार सिर्फ आई लव यू बोलने से नहीं होता। एक दूसरे की फीलिंग समझनी पड़ती है रिश्ता निभाने के लिए। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। जब इंसान का वक्त बदलता है तो गैरों से ज्यादा अपने जलते हैं। अगर जिंदगी में भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाता है, अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तैयार रहते हैं वो आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। रिश्ता हुआ नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता हुआ है जिसे दिल से निभाया जाए। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उसकी ओर ध्यान ही ना दिया जाए। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। हम हर किसी के लिए बस एक वक्त तक जरूरी होते हैं। गुस्सा सिर्फ वही करते हैं जिन्हें आपकी परवाह होती है। एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। जब इंसान सब्र करना सीख लेता है तब उसे जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। हर किसी की लाइफ में कोई ऐसा जरूर होता है जिन्हें हम अपने दिल की सारी बातें बताते हैं। गलतफहमी दूर ना किया जाए तो वो नफरत में बदल जाती है। तकलीफ देने वाले को भले ही भुला जाओ, मगर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। अपने दिल की बात किसी से ना कहे, वैसे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसी से हद से ज्यादा उम्मीद लगाओगे तो एक दिन खुद उस उम्मीद के साथ टूट जाओगे। नजर ऐसी रखो कि कोई लड़की तुम्हें देखकर बाल ठीक करे, ना कि दुपट्टा। अंदर से टूटे हुए लोग चाहे जितना मुस्कुरा ले, उसकी उदासी उसके चेहरे पर दिखी जाती है। आप अपनी खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख सिर्फ भरोसे मन के साथ ही बांटना चाहिए। कुछ ऐसे हो रहा है रिश्तों का विस्तार, जिसको जितना मतलब उससे उतना प्यार। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और प्रसन्न मन है। जिंदगी में एक ही वसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। कौन कब किसका कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। धोखेबाज लोग धोखा देंगे और बाद में अपनी मजबूरियां गिनाएंगे। वही रिश्ता ज्यादा सफल रहता है जहां पैसों का लेन देन कम और प्यार का लेन देन ज्यादा रहता है। आपको जब किसी के साथ फासला महसूस होने लगे तो आपको फासला बना भी लेना चाहिए। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं, इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। आपके रिप्लाई की स्पीड बताती है कि आप टाइम दे रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। कई बार चीजों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कुछ चीजों को जिंदगी से जाने में ही भलाई है। जिंदगी में इतने भी उदार मत बनो कि लोग आपका हमेशा गलत फायदा उठाते रहे। अगर आप उस इंसान की तलाश में हो जो आपकी जिंदगी बदल सके, तो जाओ, जाके आईने में देखो। जहाँ पर आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल हो। आपके माता पिता के सिवा ऐसा कोई नहीं है जो आपको खुद से ज्यादा सफल देखना चाहते हैं। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। अधिकारों के लिए अवश्य लड़े, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। विश्वास के बिना ना तो प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना संभव है। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता।
अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। बारिश में नहाया जा सकता है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं, खुद वहीं रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञानता और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी हो, लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दिखावे के रिश्ते से अच्छा है अकेले रहिए, ज्यादा खुश रहोगे। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे रिश्ते खो देते हैं। आप परिस्थितियां, मौसम या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। जिंदगी एक टीचर से ज्यादा कठोर होती है। टीचर सबक देकर इम्तिहान लेती है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। हमें जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें जिंदगी में वो मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं, उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है। यकीन मानिए, आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते,